गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रितु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, UPRTU, प्रयागराज से। आज हम पेपर के विषय में चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कोर्स कोड SE BEd SE 01 और Block 1 Unit 3 डेवलपमेंटल डोमेन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो Unit 3 है, डेवलपमेंटल डोमेन्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि कौन कौन से आयाम होते हैं विकास के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने पिछली इकाइयों में क्या अध्ययन किया और क्या पढ़ा, उसके बारे में हमें एक बार से रिवाइज करना होगा। पिछली इकाइयों में हमने वृद्धि और विकास की अवधारणाओं तथा मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा की थी। इस इकाई में आज चर्चा करने वाले हैं, इस इकाई में हम विकास के विभिन्न पक्षों में व्यक्ति की यात्रा का वर्णन करेंगे। यह तो अब तक स्पष्ट हो गया है कि विकास एकाएक नहीं होता है, अवस्थाओं में बांटने के उपरांत भी यह निश्चय पूर्व नहीं कहा जा सकता कि शैशवावस्था में यही होगा और किशोरावस्था में यह। इसमें व्यक्ति का विभिन्नता, जैसे कि साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति विभिन्नता, हर इंसान यूनिक होता है, हर इंसान के अंदर यूनिकनेस होती है। तो जो उसका पैटर्न होता है विकास का, यानी कि डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है, वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन विकास की गति भी कम ज़्यादा हो सकती है। विकास के पक्षों को हम इस प्रकार बांट सकते हैं और उसके ये आयाम हैं जो निम्न है। नंबर 1, शारीरिक विकास व गतिपरक योग्यताओं का विकास। नंबर 2, मानसिक विकास। इसके अंतर्गत निम्न विकासों को रख सकते हैं, जैसे भाषाई विकास हो गया, सृजनशीलता का विकास, संज्ञानात्मकता का विकास, बौद्धिक विकास, संवेदना व प्रत्यक्ष बोध का विकास, सामाजिक विकास। नंबर 3, सामाजिक विकास। नंबर 4, संवेगात्मक विकास। नंबर 5, नैतिक विकास। उपयुक्त आयामों अथवा पक्षों पर चर्चा के साथ हम इन विकास पक्षों के निर्धारक कारकों का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी अध्ययन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये अध्ययन क्यों कर रहे हैं, उसके हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो 9 हैं। सबसे पहले तो मानव विकास के विभिन्न पक्षों और आयामों का प्रत्यास्पन कर सकेंगे। जैसे कि हमने बताया अभी कि हम इनके पक्षों आयामों का ही के बारे में चर्चा करेंगे। शारीरिक विकास के चक्र के नाम बता सकेंगे, शारीरिक विकास के निर्धारकों की सूची बना सकेंगे, मानसिक विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों में अंतर बता सकेंगे, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचान सकेंगे, सामाजिक विकास के मापदंडों को लिख सकेंगे, सामाजिक विकास के निर्धारकों की व्याख्या कर सकेंगे, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास का अभिज्ञान कर सकेंगे, और सबसे लास्ट में नैतिक विकास में मूल्य, अनुशासन, दंड व महत्व को पहचान सकेंगे। अब मानव विकास के जो विभिन्न आयाम हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था, लेकिन फिर भी हम उसे दोबारा से बात कर लेते हैं उस बारे में। मानव विकास के विभिन्न आयाम हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव विकास क्या होता है। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव विकास क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया है जो कि विकास विभिन्न अवस्था में होता है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था या और किशोरावस्था, ठीक है। प्रत्येक अवस्था में बालक के व्यवहार में कुछ परिवर्तन होते हैं,
इन प्रयत्नों के आधार पर मानव विकास को निम्नलिखित पक्षों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे शारीरिक विकास। सबसे पहले अब शारीरिक विकास क्या होता है? शारीरिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, मतलब शारीरिक विकास वह होता है प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष के शारीरिक ढांचे और आंतरिक तथा बाह्य अवयवों में जो जन्म से मृत्यु तक जो भी निश्चित परिवर्तन होते हैं, मतलब एक फिक्स पैटर्न में होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो फिक्स पैटर्न में होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए, उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। जब ने व्यक्तिगत विभिन्नता के होने से हमने बताया कि अंतर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, फिर भी वो एक फिक्स पैटर्न, एक माइल स्टोन्स होते हैं जिन पे चल के ही विकास होता है। तो अब ये शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, शारीरिक विकास के अंदर आता है क्या क्या विकास होता है? सबसे एक होता है बोन्स में, टीथ में, नर्वस सिस्टम में, ग्रोस मोटर स्किल्स में, फाइन मोटर स्किल्स, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, इनका विकास होता है। फिर आता है मानसिक विकास, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में जितनी एबिलिटीज होती हैं, मानसिक विकास से रिलेटेड जितनी एबिलिटीज होती हैं, जैसे कि सेंसेशन, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद जो हम उसका तीसरा चरण की जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि विकास की ये चीज़ें सब आती हैं। तो सोशल डेवलपमेंट में आगे मतलब सोशल डेवलपमेंट में आता है इंटरेक्शन, मतलब वो कैसे एक दूसरे से मिलता जुलता है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, कैसे हर परिस्थिति में सामंजस्य करता है, दूसरों के साथ मिलजुल कर सामंजस्य, दूसरों की आज्ञा का पालन करता है, सब लोगों की मिलके आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये एक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है तो इसलिए उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, और एक्सेप्टेंस के लिए उसे ओबिडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैच्योरिटी, ये वैसे इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं सब, लेकिन सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और सब इम्पोर्टेंट होते हैं। मैच्योरिटी के द्वारा जैसे वो समाज में रह के मैच्योरिटी प्राप्त करता है, समाज से उसे वो जो भी अधिकम से वो सीखता है उसे से मैच्योरिटी मिलती है, लर्निंग मैच्योरिटी, ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और फिर उसके मैच्योरिटी के द्वारा वो सोसाइटी को अपने फ़ायदा पहुंचा सकता है, उस पर एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में आता है इमोशंस रिलेटेड टू बेसिस इंस्टिंक्ट, जो भी इंसान की जो मूल प्रवृत्तियाँ होते हैं उससे रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो जो हो, वैसे जो एक्साइटमेंट, फियर्स हो, लोनलीनेस हो, लव हो, प्लेजर हो, अब ये वैसे जो इमोशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉय हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, लव, प्लेजर, और अगर नेगेटिव की बात करें हम तो नेगेटिव में आ गया एंगर, फियर, इंसल्टेड फील करना, लोनलीनेस फील करना, ये सब नेगेटिव में आ गया। अब इमोशंस को जो दिखाने का तरीके भी दो होते हैं, बाह्य और आंतरिक, किस तरह से हमें पता चलता है कि इमोशंस के किस तरह के, तो जो बाह्य होते हैं वो बॉडी मूवमेंट से बदल जाता है कि गुस्सा आ रहा है, बॉडी मूवमेंट से एकदम बदल जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। और बात करने का तरीका भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि गुस्सा आ रहा है या फिर प्लेजर फील हो रहा है, ये चीज़ें हमें बताती हैं। फिर अब हम इसके विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसकी जैसे शारीरिक विकास के बारे में हमने समरी में बताया था, आपको समराइज किया था, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम
विस्तृत रूप से बात करेंगे, जैसे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जीवन की एक, शारीरिक विकास क्या है मैंने आपको बताया था, उसमें जो आंतरिक और बाह्य जो भी जितने भी तरीके के चेंजेस होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं, चाहे जैसे बोन्स, टीथ, नर्वस सिस्टम, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। शारीरिक, ये बहुत ही हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसी से हमारी लाइफ डायरेक्ट होती है, निर्देशित होती है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा शारीरिक विकास होगा हमारा मानसिक विकास पूरे, दोनों शारीरिक और मानसिक विकास दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर हमारा शारीरिक विकास पूर्ण नहीं है तो वह हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से फिट नहीं हो पाते हैं, उसका डिप्रेशन या फिर कुछ भी कह लीजिए, इसका बालक के व्यवहार कौशल पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फर्क पड़ता है बहुत, मेंटली भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यवहार पर कौशल पर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव इस तरह से होता है कि कार्य करने की योग्यता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसे अगर कम हाइट का बच्चा है वो बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, और शारीरिक विकास से जो है वो गर्भाधान से वृद्धावस्था तक होने वाला विकास होता है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं, अनुवांशिकता, परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, उस पर व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक अक्षमता का द्वारा प्रभावित होने से ये अलग अलग होते हैं, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं जिसका प्रभाव पड़ता है और जिससे कि शारीरिक विकास अलग अलग हो सकता है। अब शारीरिक विकास के कुछ चक्र बताए गए हैं जिस पे चल के शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास की प्रक्रिया, शारीरिक विकास के कौन कौन से चक्र होते हैं और जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं वो इस प्रकार है। शारीरिक विकास की प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया निश्चित गति से ना होकर विभिन्न अवस्थाओं में गतियों से होती है, विभिन्न गतियों से होती है। वृद्धि प्रक्रिया में पाए जाने वाली इन्हीं विशेषताओं को वृद्धि चक्र कहते हैं, जो एक निश्चित क्रम में होता है और उनका पूर्वानुमान भी किया जा सकता है। जैसे मनोविज्ञानी टैनर तब मेरेडिथ ने चार प्रकार के वृद्धि चक्र का उल्लेख किया है, जिनमें से दो हैं मंद गति से होने वाले और दो हैं तीव्र गति से होने वाले। सबसे पहला तीव्र गति से हम बात करें तो सबसे पहला तीव्र गति से होता है तो गर्भाधान से 2 वर्ष तक, फिर होता है मंद मतलब गर्भाधान से 2 वर्ष तक, फिर होता है मंद जो 2 वर्ष तक यौवनावस्था तक होता है, मतलब कि जो दो वर्ष तक तो बहुत तेज होता है, फिर 2 वर्ष के बाद वो सुप्त अवस्था में चला जाता है, मतलब होता तो है लेकिन उतनी तीव्र अवस्था तीव्र तरीके से तेज नहीं होता है जो गर्भाधान से 2 वर्ष तक होता है। फिर उसके बाद आता है यौवनावस्था से यानी कि एडोलेसेंस से 16 वर्ष तक जो पीरियड होता है उसमें, उस टाइम में पर्टिकुलर 3-4 साल में तीव्र विकास होता है, और 16 वर्ष के बाद ये विकास 16 या कहें कि 18 साल इसके बाद ये विकास सुप्त बहुत मंद तरीके, बहुत धीमे तरीके से होता है, इतना तेज नहीं हो पाता जितना कि वो एडोलेसेंस में होता है। अब वृद्धि चक्र गर्भाधान से परिपक्वता तक की इतनी इनकी गतिविधियाँ कभी तीव्र होती हैं कभी मंद होती हैं, विकास की अवधि वे गति निश्चित होती है, लेकिन कुछ कारकों जैसे कुपोषण, बीमारी, संवेगात्मक तनाव, एक समय में अधिक से अधिक बच्चों का जन्म, इनके द्वारा प्रभावित होती है। विकास में सबसे पहला जो विकास शारीरिक विकास आता है वो तो बच्चे का विकास सबसे पहले गर्भ में होता है, तो इसलिए गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक विकास की अवधि गर्भाधान से 280 दिनों तक चलती रहती है।
अब इस अवधि को हम तीन स्टेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तीन स्टेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि तीन स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला स्टेज है 0 to 2 weeks, जो गर्भावस्था का विकास होता है वो तीन अवस्थाओं में इस प्रकार होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज हो गया 0 to 2 weeks, सेकंड स्टेज हो गया 3 weeks से सेकंड मंथ तक, और थर्ड स्टेज हो गया थर्ड मंथ से बर्थ तक। इन तीन अवस्थाओं में एक पर्टिकुलर तरीके से ये विकास होता है, और लेकिन इसे कुछ कारक होते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। पोषक तत्व, सबसे पहले अगर माँ का पोषक तत्व लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पोषक तत्व माँ के द्वारा बच्चे तक पहुँचता है, और अगर माँ पोषक तत्व का सेवन नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। द्रव्यों का प्रभाव, मादक द्रव्यों का प्रभाव नहीं करना चाहिए। बहुत बार होता है कि गर्भावस्था के समय में भी, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है उस टाइम पे भी, जब अगर मादक द्रव्यों का पदार्थ करती है या ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें खाती है जो नहीं खानी चाहिए, जिसका नेगेटिव, उसे लेने से बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और उनकी हेल्थ जन्म उपरांत उन पर, या जन्म के समय उन पर इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जन्म के उपरांत उसमें कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि हम डिसेबिलिटी, जैसे हम डिसेबिलिटी की बात करें तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, और वो बहुत बार वो इतना ज़्यादा घातक होता है कि वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है। फिर हो गया मानसिक तनाव, बच्चों जिस टाइम पे लेडी प्रेग्नेंट होती है, यानी कि गर्भावस्था में जो बच्चे का विकास हो रहा होता है उस टाइम पे, अगर लेडी जो उसकी बच्चे की माँ होती है वो अगर मानसिक तनाव ले ले, स्ट्रेस ले ले, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। एक तो होता है कि उसका मानसिक विकास रुक सकता है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, और उसे उसके उसके ऊपर भी इसका प्रभाव, मेंटल इलनेस कहीं ना कहीं उसमें आ सकती है। तो इसलिए माँ को कभी भी तनाव नहीं लेने चाहिए इस टाइम पे। संतुलित भोजन से संतुलित विकास होता है, ना ज़्यादा कम भोजन लेना चाहिए ना बहुत ही ज़्यादा, इससे शारीरिक, इसके बच्चों का जो शारीरिक विकास है वह संतुलित हो जाता है, और उसका मानसिक और शारीरिक विकास पूर्णतया नहीं हो पाता। इसलिए पोषक तत्व लेने चाहिए। मादक द्रव्यों का प्रभाव तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तो इसलिए माँ को सोच समझ के भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए जिसका प्रभाव, जैसे धूम्रपान हो गया, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और तनाव नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़े। अब अगर गर्भावस्थ विकास के बाद हम जन्मोपरांत शारीरिक विकास जिस तरीके से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जन्म के समय जो विकास के टाइम होता है वो होता है जन्म से 30 मिनट से 2 सप्ताह तक, नवजात शिशु अवस्था होती है। जन्म के समय शिशु का वजन 7.5 पौंड औसतन होता है, ये इससे कम भी हो सकता है, अगर मतलब अंडरवेट होता है बहुत बार बच्चा तो उससे कम भी हो सकता है, और उसे अगर ओवरवेट होता है तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बालक बालिकाओं से ज़्यादा हाइट की बात करें तो बालक बालिकाओं से हाइट में लंबे होते हैं इस टाइम पे, और उनका सर कंपेरेटिवली, अगर सर की बात करें तो सर उनका बॉडी के कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, जो कि एज बढ़ने के साथ प्रोपोर्शन इतना, मतलब अगर प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, जो कि एज के बढ़ने के साथ साथ वो कम हो जाता है, पोषण ठीक हो जाता है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि सिर्फ बॉडी ज़्यादा बढ़ती है, सर का जो पार्ट है वो उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि वो सर है वो कंपेरेटिवली ज़्यादातर जो पार्ट है वो गर्भास्थ शिशु का जितना बढ़ता है उसे थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, बहुत ज़्यादा बाद में डेवलप नहीं होता। जन्म के पश्चात सिर के आकार में समानुपाती वृद्धि शरीर के अन्य भागों की तुलना में कम होती है,
ऐसा इसलिए होता है कि अधिकांश विकास जन्म से पहले ही हो चुका होता है। जितना विकास होना होता है उतना विकास गर्भ में ही हो चुका होता है, उसके बाद बहुत नाम मात्र का विकास होता है, बहुत नाम मात्र का अंतर आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब चेहरे की बात करें, फेस में क्या अंतर आता है, चेहरे का ऊपर का हिस्सा मतलब ये गर्भावस्था के बाद की जो विकास की बात है उसकी बात चल रही है, क्यों चेहरे के ऊपर का हिस्सा जो है जल्दी पूर्णता प्राप्त कर लेता है, चेहरे का ढांचा यानी फेशियल स्केल्टन 7 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाता है। इससे चेहरे से बालक के बड़े होने का बोध होता है और लड़के और लड़कियों में जो विकास है परिपक्वता दिखाई देती है और चेहरे से होती है 13 से 14 साल में। बच्चे लड़के चाहे लड़के हो चाहे लड़कियों हो वो 13 से 14 साल में परिपक्व दिखाई देने लगते हैं। फिर शारीरिक विकास में आता है धड़, मतलब सिर की बात की हमने, फेस की बात की, अब उसके बाद धड़ किस तरह से बढ़ता है वो देखते हैं। 6th ईयर में बच्चा जब 6 साल का होता है उसका आकार जन्म की तुलना में एकदम दुगना हो जाता है और लेकिन जब जैसे बच्चा हाइट लेता है उस टाइम पे 6 साल के बच्चा आपने देखा भी होगा कि कंपेरेटिवली वो हाइट लेने की वजह से वो पतला हो जाता है, पतला होता रहता है, लेकिन जैसे वो एडोल्सन पीरियड में जाता है तो वो वेट गेन करने लगता है। और उसी टाइम पे लड़कियों और लड़कियों का लैंगिक जो अंतर है वो दिखने लगता है। हाथों पैरों का विकास जो अन्य अंगों की अपेक्षा में हाथों पैरों में जो वृद्धि होती है और वो इतना कंपेरेटिवली बहुत स्लो होती है और 14-15 वर्षों तक इनका विकास पूर्ण हो जाता है। हाथों पैरों का जो रेशियो होता है वो हमारी लंबाई के यानी कि मतलब बहुत लंबा है उसके हाथ पैर भी लंबे होंगे और जो जो इंसान छोटा है उसके हाथ पैर भी छोटे होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे हड्डियाँ। मतलब जो इसके बाद शारीरिक विकास में हड्डियाँ किस तरह होती है, बचपन में तो जैसे बच्चों के हड्डियों में पानी का जो तरल पदार्थ होता है वो ज़्यादा का रेशियो ज़्यादा होता है, उसी वजह से बच्चों की जो हड्डियाँ होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए उन्हें बचपन में मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशली बहुत ही संभाल के कैरी करना पड़ता है, बहुत संभाल के ख्याल रखना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जरा सा कुछ चोट लगने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तब बच्चों की जो हड्डियाँ होती है वो 270 होती है क्योंकि पूरी तरह से मतलब वो बनी नहीं होती है, वो पार्ट्स में होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियों फ्लेक्सिबल होती है, उसमें जो तरल पदार्थ है वो कम हो जाता है तो हड्डियाँ सॉफ्टनेस कम हो जाती है और हड्डियाँ पूरी तरह बन के 206 रह जाती हैं। और इन हड्डियों को मजबूती के लिए पोषण बहुत ज़रूरी होता है, जो फॉस्फोरस कैल्शियम खनिज नमक की से हड्डियों को पोषण मिलता है। फिर आता है दांत, ये सब मिलके ही बना शारीरिक विकास को की पूर्णता प्रदान करते हैं। एक के भी विकास न होने से हमारे पर्सनैलिटी और हमारा जो शारीरिक विकास है वो पूरा नहीं हो पाता है। बच्चों में जो अस्थाई दांत आते हैं वो 20 दांत 2 से 2.5 वर्ष तक पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं 13 वर्ष में बच्चे के 27 से 28 दांत आते हैं और अंतिम जो जिसे दांत जो कि विजडम टीथ कहा जाता है जिन्हें शायद हम अकल दांत कहते हैं जो प्रचलित भाषा में, वो आते हैं 17 से 25 वर्ष तक। एक व्यक्ति में यानी कि एक या क्या है कि शिशु में बालक का जो भार का जो अनुपात होता है बढ़ता है वो उसमें मांसपेशियां के तंतु भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि तो उनका विकास भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है और उनका विकास बालक में तीव्र गति से होता है और मांसपेशियों में जल का भी भाग होता है, लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है वो जल का भाग कम होता चला जाता है और दृढ़ता आने लगती है। मांसपेशियों की वृद्धि में बालक की वंशानुक्रम के साथ साथ तो उसके खाने पीने की आदतें भी आदतों पे भी डिपेंड करता है कि वो विकास किस तरह से होगा। अब नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट
जन्म के 3-4 वर्षों में जो गति होती है वो बहुत तीव्र होती है, लेकिन फिर 3-4 वर्षों में वो गति बहुत ही धीमी हो जाती है। और इसका नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है माइंड या मस्तिष्क। लेकिन 3-4 वर्ष में जो गति धीमी होती है, 8 से 16 वर्ष तक वो गति बहुत तेज हो जाती है और पूर्णता को प्राप्त करती है। इंटरनल ऑर्गेन्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में एक्सटर्नल पार्ट्स के साथ साथ इंटरनल ऑर्गेन्स भी आते हैं। अब इंटरनल ऑर्गेन्स जो होते हैं वो इनका विकास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोनों मिलके ही शारीरिक विकास को, फिजिकल डेवलपमेंट को पूर्ण करते हैं। इसमें बच्चों का वजन बढ़ना, बच्चों का वजन एज के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए, वो श्वसन प्रणाली का विकास, रक्त संचार का विकास, पाचन तंत्र का विकास, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा बचपन में जो बच्चे की जो नाड़ी चलती है वो 120 से 140 प्रति मिनट चलती है, और बड़े होने पर यानी कि युवावस्था में वो 72 पर मिनट हो जाती है। लड़कों की पाचन क्षमता लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है, और किशोरावस्था में कुछ विशिष्ट शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं जो इस प्रकार है। शारीरिक परिवर्तन, सबसे पहले 11 से अगर बात करें तो 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई अधिक होती है अपेक्षाकृत स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में लड़के उससे लड़कों की ज्यादा हो जाती है। लड़कियों के स्थायी दांत भी लड़कों से पहले आते हैं। आवाज में परिवर्तन, जो लड़कों में भारीपन आ जाता है और कर्कशता आ जाती है, लड़कियों की आवाज सुरीली और मीठी हो जाती है। हड्डियों में बचपन में, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि बचपन में बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो कोमल होती है, लेकिन किशोरावस्था तक आते आते उसमें दृढ़ता आ जाती है और परिपक्व भी हो जाती है। आंतरिक अंगों में किशोरावस्था में विकास होता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, श्वसन प्रणाली जो होती है, पाचन क्रिया, इन सबका पूर्णतः विकास हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी मोटर एबिलिटीज हैं यानी कि स्किल्स हैं, जैसे उसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसे दो पार्ट में ही डिवाइड करके हम समझ सकते हैं। पहला है ग्रॉस मोटर एबिलिटीज या स्किल्स, दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। तो अगर फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में पहले ही पार्ट में हमने चर्चा की थी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है कूदना, खड़े होना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं। जो और फाइन मोटर स्किल्स में होते हैं कि बटन लगाना, किसी चीज़ को होल्ड करना, पेंटिंग करना, ये सब चीज़ें फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी ये पूरा ना होने पर बहुत बार डिसेबिलिटी में उसे रखा जा सकता है। जैसे तो ये शर्त है कि एक फिजिकल डेवलपमेंट तभी पूरा हो पाता है जब ये सारी गतिविधियां बच्चा कर पाए। अब शारीरिक विकास के निर्धारक कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास के प्रमुख निर्धारक हैं, सबसे पहले है शारीरिक दशा। बच्चा अगर बीमार है तो जैसे रिकेट्स, पोलियो, चेचक, काली खांसी, खसरा, इससे विकास पूरा नहीं हो पाता। शारीरिक दोष, जैसे कि मैंने बहुत स्टार्टिंग से बताया कि अगर डिसेबल्ड बच्चा जैसे MR है तो उसकी आयु IQ उतनी अच्छी नहीं होगी, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड है तो भी, या CP है, किसी भी तरह से है वो डिसेबल्ड है तो उसकी वृद्धि इतना नहीं हो पाता है, वो रुक जाता है। तो डिसेबिलिटी भी शारीरिक वृद्धि और विकास को पूरा नहीं करने देती है, उससे शारीरिक विकास पूरा नहीं हो पाता। फिर उसके बाद कौन कौन से कारक हमें अवरोध कर सकते हैं
सारे विकास में वो जैसे दुर्घटनाएं, इनके कारण भी सारे विकास अवरुद्ध हो जाता है दुर्घटनाओं के कारण। जैसे बच्चे बहुत चंचल होते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो उनके सर पे चोट लगने से उसका, बच्चे मेंटली डिसेबल्ड हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, और या और भी बहुत कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि बच्चों के अंतर हर एक इंसान यूनिक होता है, कोई भी इंसान एक दूसरे से मैच नहीं करता है। ये बहुत सारे टेस्ट से प्रूफ हो चुका है कि एक इंसान दूसरे की तरह नहीं होता है। तो उसकी जो विकास का क्रम है वो एक एक इंसान का दूसरों की तरह नहीं हो सकता है, दोनों के डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी एक पैटर्न पैटर्न पे होता है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अलावा जैसे जेंडर इफेक्ट करता है, बच्चों की लंबाई, वंशानुक्रम, ये सब कुछ के अकॉर्डिंग शारीरिक विकास होता है। इसके अलावा हार्मोन का प्रभाव, हार्मोनल इफेक्ट कैसे होते हैं और किस तरह से वो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, जो वो इस तरह से है। अगर जो मेंटल एबिलिटी वो बहुत लो होती है, तो बच्चे के जो ग्रोस मोटर स्किल या फाइन मोटर स्किल्स वो प्रभावित होती है, जिसे हम मेंटल रिटार्डेड बच्चों की श्रेणी में रखते हैं, या फिर लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के कैटेगरी में भी हम रख सकते हैं उसे। और जैसे चलना फिरना, ये चीज़ तो जैसे ऑर्थोपेडिकली बच्चों की ना वो डिफरेंट एवर बच्चों की कैटेगरी में आ जाता है, और अगर उसकी क्षमता बहुत हाई होगी तो ये चीज़ें पहले सीख जाता है। अगर हम इसे स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में रखें, तो ये जो लो आईक्यू वाला बच्चा होता है, जो कम देर से सारा काम शुरू करता है, वो आता है 70 ब्लो आईक्यू में। और जो जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, उसे हम उसकी जो आईक्यू होती है 140 प्लस होती है या 140 होती है, और ये बच्चा ज्यादा जल्दी से जल्दी सारे काम सीख जाता है। अब शारीरिक विकास के बाद हम बात करेंगे मानसिक विकास की। मानसिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास की सभी अवस्थाओं में जो विकास की सभी अवस्था निरंतर चलती रहती है। मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक शक्तियों की वृद्धि से है। इसके अंतर्गत संवेदना, प्रत्यक्ष बोध, प्रत्यनिर्वाण, अवलोकन, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम क्षमता, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। मानव विकास के अंतर्गत हम निम्न क्षमताओं के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि सबसे पहले संवेदना व प्रत्यक्ष बोध, संज्ञान, विकास का यम, सृजनशीलता, बुद्धि, भाषा। सबसे पहले आता है संवेदना व प्रत्यक्ष बोध, यानी कि सेंसरी और परसेप्चुअल डेवलपमेंट। तो जब हमारा मानसिक विकास होता है, सबसे पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे सेंसेशन कहते हैं, जो उससे रिलेटेड जो संवेदना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा किसी किसी वस्तु को, किसी घटक के बारे में प्रथम जानकारी प्राप्त करता है, यानी कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है वो सेंसेस के थ्रू जो हमें मिलती है, उसे हम सेंसेशन बोलते हैं। जो ऑबवियस सेंसेस, जैसे आइज के थ्रू हम कोई चीज़ देख रहे हैं, लेकिन वो उसका कोई मीनिंग नहीं पता है हमें ये क्या है, लेकिन हम जब उसे देखते हैं तो वो सेंसेशन हो गई। जैसे आइज के थ्रू देख रहे हैं, नोज से हम कुछ स्मेल कर रहे हैं, माउथ से हम कुछ, जैसे जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, और स्किन कोई टच करके देखते हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर आ गए। और लेकिन जब हमें हमारा जब वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जब वो माइंड तक जाती है और माइंड उसे मीनिंग देता है, तो वो चीज़ हो गई परसेप्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि परसेप्शन डेवलप्ड हो जाता है। तब हमें पता चल जाता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो चीज़ क्या है, जो चीज़ हम खा रहे हैं, या फिर जो चीज़ हम टच कर रहे हैं, जो चीज़ हम स्मेल कर रहे हैं, जो ये चीज़
या कोई हम गाना ही सुन रहे हैं तो वो कौन गाना कौन सा है, या उसकी चीज़ को मीनिंग मिल जाता है कि ये गाना है, और फिर हम उसे ये गाना उसका है, अच्छी चीज़ सुन रहे हैं तो हम उसे उसे रिकॉल करके उसे जो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करके हम समझ पाते हैं कि ये क्या है, और फिर हम उसे सुनते हैं, तो ये जो मीनिंग माइंड्स के द्वारा मिल जाता है उसे हम परसेप्शन कहते हैं। फिर इसी में मेंटल डेवलपमेंट पर ही आ जाता है संज्ञानात्मक विकास। जन्म के समय शिशु में संज्ञानात्मक बोध का अभाव रहता है, जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसमें पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, पर्यावरण की वस्तुओं में समानता व मतलब डिफरेंस, सिमिलैरिटी करना, डिफरेंस करना, उन्हें कैटेगराइज करना, वो सब सीख जाता है, और इसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास को हम ये होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेवल, तीन प्याजे ने इसे चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले सेंसरी मोटर एबिलिटी 0 to 2, फिर उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल 2 to 7, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें हम बात करते हुए कॉन्क्रीट किसी वस्तु को देख के, ये आती है 7 to 11, और सबसे लास्ट जो आती है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल वो होती है 11 to 15। जब किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु के बारे में तो इमेजिनेशन के थ्रू ही बता पाता है, उसे अगर बता दिया जाए बिना वस्तु को दिखाई तभी भी वो उसका परसेप्शन बना सकता है। फिर आते सृजनशीलता। सृजनशीलता में चिंतन एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसके अंतर्गत अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें ओरिजिनलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी, यूनिकनेस होती है और कुछ नयापन होता है। जैसे अब बच्चे खेलते हैं, खेले के माध्यम से उनमें सृजनशीलता दिख सकती है, और एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में दिख सकती है। अब इनके सृजनशीलता में जो मुख्य है वह यौन विभिन्नता, व्यक्तिगत विशेषताएं, सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार में बच्चे की क्रमिक स्थिति, परिवार का आकार, नगरीय बनाम ये नगरीय बनाम ग्रामीण प्रवेश, उपलब्धि प्रेरणा, तो ये जो फैक्टर हैं वो यानी कि डिफाइन करते हैं किस तरह से बच्चे का जो विकास होगा उसमें सृजनशीलता ये पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है, और बहुत बार ये फैक्टर्स बच्चे को क्रिएटिविटी को इफेक्ट करते हैं, कैसा व्यक्तिगत विशेषताएं कैसी हैं उसकी, मतलब वो 140+ IQ है उसकी तो, और उसमें एक क्वालिटीज़ हैं तो क्रिएटिव होगा, सामाजिक अगर बहुत बार लो सामाजिक आर्थिक स्तर लो होने से भी वो इफेक्ट करता है, और परिवार कौन से स्थिति कौन से क्रम में है, बच्चा नगर में है ग्राम में, उसे किस तरह का परिवेश मिल रहा है, और से अगर अगर से मोटिवेट किया जाए, उसे इंस्पिरेशन दी जाए तो बच्चा अच्छा कर सकता है। अब इसलिए बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ये बातें पे ध्यान रखना चाहिए, से उसे खाली समय दिया जाना चाहिए, एकांत की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वो फोकस होके कोई काम कर सके, उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए, उपयुक्त परिवेश होना चाहिए, बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना होनी चाहिए, ज्ञानार्जन का अवसर मिलते रहना चाहिए उसे, और लोकतांत्रिक पर्यावरण होना चाहिए जिससे कि वो उसके अंदर सृजनशीलता का विकास हो सके। अब मेंटल एबिलिटी में आ गया भाषाई विकास। भाषाई विकास अन्य व्यक्तियों के साथ विचारों के आदान प्रदान व सूचना संप्रेषण की योग्यता है। हरलोक के अकॉर्डिंग भाषा मनुष्य की अन्य जीवों से अलग करती है। भाषा के द्वारा ही बालक का सामाजिकरण होता है और प्रतिनिर्माण होता है, और भाषा निर्माण को जो कारक प्रभावित करते हैं वो है शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य, बौद्धिक स्तर, भाषाई अंगों की परिपक्वता, सामाजिक आर्थिक पारिवारिक संबंध, और व्यक्ति विशेषताएं और पुनर्बलन। अगर बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तभी वो
तभी वो उनके अंदर क्रिएटिविटी या मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी और भाषा का विकास बढ़ेगा, बौद्धिक विकास। अब आईक्यू की मेंटल एबिलिटी, बौद्धिक विकास भाषा की एक सहगामी क्रिया है। बौद्धिक विकास के द्वारा व्यक्ति के विकास का निर्धारण होता है और बौद्धिक विकास एक जन्मजात क्षमता है। दैनिक जीवन में मानसिक क्षमता का उपयोग हर समय होता है। विभिन्न प्रकार के विकासों समझन का बुद्धि से ही संबंध है। इसे आप जैसे मैंने पहले ही बताया ये आईक्यू आईक्यू के द्वारा डिफाइंड होता है। तो जो लो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं वो उसे बिलो होते हैं 70 और 70 से बिलो, और जो 140 या अबव आईक्यू वाले होते हैं वो गिफ्टेड चाइल्ड में आते हैं, और 90 प्लस जो चाइल्ड आते हैं वो नॉर्मल एवरेज चाइल्ड की उसमें कैटेगरी में रख सकते हैं। हमने सामाजिक विकास की बात करें इस क्रम में, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। शिशु जन्म लेता है तो वो पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड होता है, सिर्फ माँ और बाप और अपनी जो नीड्स के लिए प्रयास रहता है, उसके अलावा उसे किसी कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और लोगों से मिलता है, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, एक बड़े होकर उसे उसके जैसे गैंग एज की बात करते हैं, एडोल्स में वो अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है बजाय अपने, और उसका एक अपना सोशल सर्कल होने लगता है। समाज की सहायता के बिना में समाज सोसाइटी उसके, जैसे हमने बताया कि एक सोशल एनिमल बोला जाता है उसे, सामाजिक प्राणी, तो सोसाइटी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उसके उसके साथ समाजीकरण के द्वारा ही वह अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने के कारक इस प्रकार हैं: शारीरिक संरचना व स्वास्थ्य, पारिवारिक प्रवेश, सामाजिक आर्थिक स्तर, पास पड़ोस, विद्यालय, बुद्धि का प्रभाव, संस्कृति, मनोरंजन के अवसर। और सब इसके बाद आता है संवेगात्मक विकास। बालक के व्यक्तित्व के संयोजन के लिए संवेगात्मक विकास बहुत इम्पोर्टेंट है। बालक की किसी क्रिया व प्रतिक्रिया में भावात्मक अभिव्यक्ति संवेग कहलाता है, जिसमें हंसी, क्रंदन, क्रोध, चिल्लाना आदि संवेगों का व्यवहार में प्रकटीकरण होता है। इसमें इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण, इमोशन लैटिन वर्ड के इमोवेर से आया, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, अतः संवेग को व्यक्ति को उत्तेजित अवस्था भी कहा जाता है। गोलमन के अकॉर्डिंग संवेगत बुद्धि में 5 घटक पाए जाते हैं: स्वयं के संवेगों को जानना, स्वयं के संवेगों का प्रबंधन, स्वयं को अभिप्रेरित करना, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, शब्दों का निर्वाह। इसके बाद आता है नैतिक विकास। नैतिक विकास की बात करें तो नैतिकता मानव समाज की विशेषता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के अनुमोदित व्यवहारों के अनुरूप ही कार्य करना होता है। प्रत्येक समाज की एक नैतिक आचरण प्रथाओं आदि की संहिता होती है, इसी के अनुरूप आचरण करना ही साधारण बोलचाल की भाषा में नैतिकता कहा जाता है। बालकों में नैतिकता का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। नैतिकता के विकास के 2 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। एक होती है नैतिक व्यवहार का विकास, गलत के लिए दंड दिया जाना चाहिए और सही के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जिससे कि नैतिक व्यवहार का विकास होता है। और नंबर 2 आता है फिर नैतिक संपत्तियों का विकास, जिसमें मानसिक क्षमता से संबंधित होता है। मानसिक योग्यता के बढ़ने पर बच्चों में सामान्यीकरण विभेदीकरण की योग्यता बढ़ती है। जब नैतिक व्यवहार का विकास होता है तो उसे एक इसे कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होता है कि ये सही है और गलत है, और ये नैतिक मूल्य सबके जो सोसाइटी के वो अलग अलग होते हैं उसे बताते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स हो, एक टीचर बता सकता है, पेरेंट्स बता सकते हैं कि ये सही है गलत है, उससे उसके अंतर्गत उसे दंड या प्रशंसा द्वारा उसे बताना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर नैतिक कॉन्सेप्ट वो विकसित हो जाए। अगर आपको कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप मुझसे फेस टू फेस यूनिवर्सिटी आके या फिर चैट के थ्रू क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।